अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, हुसैना के मतबख में आप सभी का वेलकम है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। तो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स लगेंगे कैबेज, कॉर्नफ्लोर, मैदा। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं कैबेज में कुछ मसाले डाल रही हूँ, वो है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। यहाँ मैं 1 टीस्पून लाल मिर्ची डाल रही हूँ और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैं यहाँ पिंच ऑफ रेड फूड कलर डाल रही हूँ। चलिए अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें 1 कप मैदा डालूँगी और 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर। मैंने बैटर को यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, और अब मैं इसी में ही थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। चलिए हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। अगर आपका बैटर ज़्यादा घट हो गया तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं, या फिर आपका बैटर लिक्विड ही हो गया तो आप थोड़ा सा मैदा या कॉर्नफ्लोर मिला सकते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम के लिए रख दिया है। चलिए फ्राई करते हैं। तेल इतना गरम होना चाहिए कि मतलब ऐसा हाथ रखे तो हमें हीट आए। चलिए अब मैं इसमें हमारे वेज मंचूरियन बॉल्स डालती हूँ। बीच में धीरे धीरे से चलाते रहिए। मैंने सारे मंचूरियन फ्राई करके इसमें निकाल लिए हैं। मैंने यहाँ एक पैन ले लिया। अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा लहसुन डालूंगी, मैंने रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज डालेंगे। इसी में हम करी पत्ते डालेंगे। अब मैं इसी में थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, थोड़ा सा वेनेगर। मैंने यहाँ कॉर्न स्टार्च 1 स्पून ले लिया और उसमें पानी डाल दिया और उसका घोल बना चुकी है। अब मैं इसी में ऐड करूंगी। मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी इसमें, थोड़ा सा नमक, इसी में मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी। अब मैं इसी में थोड़े से मंचूरियन डालूंगी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इस पॉइंट पे चूल्हे को बंद कर दूंगी। इसे डिश आउट करके बताऊंगी। हमारे वेज मंचूरियन रेडी हो चुके हैं। चाहे तो आप ऐसे खाली भी खा सकते हैं, आप इसे सॉस के साथ, सॉस वाले भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी वेज मंचूरियन अच्छी दिखी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।